हेलो फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। विजन एस मैगजीन में सोशल इश्यूज़ का अब शुरू करने का वक्त आ गया है। इन्वायरमेंट अब कल सुबह आज सुबह ही जो हमने ख़त्म कर दिया और सोशल इश्यूज़ अब शुरू करने जा रहे हैं। सामाजिक मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें प्री और मेंस दोनों के लिए काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये टॉपिक देखिएगा आप मेंस के सिलेबस में मिलाइए। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे डायरेक्ट ऐसे लिख करके लिखा हुआ है, मेंशन है वो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, तो वहाँ के लिए बेहतरीन कंटेंट यहीं से मिल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए इस पर सवाल जरूर आता है एक स्वास्थ्य संबंधी, तो वो भी यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं इसमें कि सुर्खियों में क्यों रहा। तो WHO और विश्व बैंक ने क्या है कि संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी की। किसने जारी की? WHO और विश्व बैंक ने। रिपोर्ट का नाम क्या है? ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को ध्यान देना है, ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, WHO और विश्व बैंक दोनों ने मिलकर जारी की है, और इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। UPSC में ये बड़ा बड़ा कन्फ्यूज करता है, एकदम रिपोर्ट का नाम दे देगा, पूछेगा कौन जारी, मतलब इसके स्टेटमेंट देगा कि ये रिपोर्ट इस संस्था द्वारा जारी की गई है। अगर आप नहीं अगर ध्यान दिए रहेंगे तो उस वक्त के प्रीलिम्स वाले जो एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है ना, उसके प्रेशर में या गलत करके चले आएंगे, कन्फर्म है ये 100%, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें तथ्य क्या निकल कर सामने आया कि जो यह रिपोर्ट है वो SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों के जो निम्नलिखित दो संकेतकों का उपयोग करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में प्रगति की जांच करती है। ठीक है, कौन कौन से दो चीज़ें हैं, दो संकेतक हैं इसमें, क्या है कि अब वो आगे देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है उसके क्षेत्र में जांच करती है। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? यह यूनिवर्सल हेल्थ सेवा सूचकांक सर्विस कवरेज इंडेक्स है। इसमें क्या है कि SDG 3.8.1 यानी कि 3 SDG 3 है वो स्वास्थ्य संबंधित है, तो इसके तहत आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय के तहत व्यापक स्वास्थ्य व्यय का इसमें मापन होता है। ठीक है, रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदुआ हैं उसको देख लेते हैं। 2020 से 2021 के बीच में यूनिवर्सल हेल्थ सेवा कवरेज सूचकांक 45 से बढ़कर 68 हो गया है। 2015 से स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर अभी उतनी प्रगति की संभावना नहीं है। ठीक, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत कवर की नहीं की गई आबादी का हिस्सा 2000 से लेकर 2021 तक के बीच में 15% कम हो गया है। 2015 के बाद सबसे कम प्रगति हुई है। ठीक, और 2022 तक 84% देशों में जो सेवाएं अवरुद्ध रहीं कोविड के दौरान। बहुत अधिक आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय का मामला सामने कर, जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है। ठीक है, गरीब परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? स्वास्थ्य पे होने वाला हाई एक्सपेंडिचर है, यानी बहुत उच्च मात्रा में व्यय है जो परिवारों को क्या कर रहा है, पॉवर्टी की ओर, निर्धनता की ओर जो उसे ढकेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है सर्विस कवरेज इंडेक्स की। यहाँ पे जो सर्विस कवरेज इंडेक्स SCI, इसमें क्या है कि सर्विस कवरेज इंडेक्स का क्या होता है उपयोग कि SDG 3.8.1 के स्तर की जांच करने के लिए होता है। इसमें चार श्रेणी होती है, प्रजनन होता है, मातृ और नवजात व शिशु स्वास्थ्य एक कैटेगरी में आते हैं, दूसरे कैटेगरी में संक्रामक रोग आएंगे, तीसरे में गैर संचारी रोग आएंगे, चौथे में सेवा पहुँच और सेवा क्षमता और पहुँच आएगी। सब जीरो सबसे खराब कवरेज, जो 100 होता है सबसे बेस्ट कवरेज होता है। भारत का स्कोर क्या है, 2019 के 64 से कम होकर के 63 हो गया था। ठीक है, शब्दावली को जानते हैं कि क्षमता से अधिक या आपात स्वास्थ्य व्यय क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग क्या है। यदि घरेलू स्वास्थ्य व्यय घरेलू उपभोग व्यय से 10% से अधिक हो जाता है तो इसे आपात स्वास्थ्य व्यय कहते हैं। अच्छा, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले स्वास्थ्य व्यय क्या है? आउट ऑफ पॉकेट व्यय को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला व्यय माना जाता है। ठीक, और परिवारों को जो है पूर्व निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को तदन गरीबी स्तर पर उसे ढकेल देता है, आउट ऑफ पॉकेट जो स्पेंडिंग होती है। ठीक है, तो अभी बात आ रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है और इसका महत्व क्या है, दोनों चीज़ें क्या है, ये मेन्स स्पेशल हैं, मेंस में सवाल बनता है। ठीक है, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना हर तरह की गुणवत्तापूर्वक सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच सुनिश्चित हो। इसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर रोगों की रोकथाम, उपचार, रिकवरी, इलाज से पहले सामान्य देखभाल तक क्या होती है, आवश्यक सेवाओं के घटक सभी शामिल होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि स्वास्थ्य जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, उसका महत्व क्या है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज स्वास्थ्य में निवेश करके क्या है, मानव पूंजी में अधिकतम वृद्धि सुनिश्चित करेगा। बच्चों में क्या है, शैक्षिक उपलब्धि और वयस्कों में कार्य उत्पादकता, कार्यबल उत्पादकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि इससे बढ़ती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो समान रूप से जो भी वितरित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से युक्त क्या होता है, एक सुचारू स्वास्थ्य प्रणाली कुशल नौकरियों की मांग को बढ़ाती है। ठीक, यह SDG 3
को प्राप्त करने में मदद करता है। यह विभिन्न समूहों के बीच देखभाल और स्वास्थ्य संसाधनों के वितरण में सामाजिक बाधाओं को कम करने में मदद करता है और रोगियों को निर्णय लेने में सशक्त बनाता है। इसके प्रमुख आयाम क्या हैं? अब ये आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोचार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंस के लिए इसको यूज करिएगा आप लोग। इसमें क्या अच्छा बनाया विजन है, इसने बहुत अच्छा, इसको पूरी क्रेडिट देनी चाहिए विजन है इसको कि इसने बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाकर दिया इस पर, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बुक में नहीं मिलती हैं और मेंस के सिलेबस में है, तो उसको अब लाखों की कोचिंग से बढ़िया है कि इसमें मटेरियल इसमें फ्री मिल रहा है और इसको हम लोग करा रहे हैं। अब इसी के बहाने जब मैं करा रहा हूँ आपको, तो इसी बहाने आपका मैगजीन भी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, यह लाभ केवल इसके लिए भुगतान करने वाले लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। दूसरा बात आती है वित्तीय जोखिम से सुरक्षा, ठीक है। पहली मतलब जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आता है उसके तीन आयाम हैं। तीन आयाम कौन कौन से हैं? कि स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुँच हो, ठीक, पहला बात। दूसरी बात क्या है? कि वित्तीय जोखिम से सुरक्षा हो। तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता हो, ठीक। तो वित्तीय जोखिम सुरक्षा में क्या हो कि लोग उपचार और देखभाल करने के लिए भुगतान के लिए ट्रैप में नहीं फंसने चाहिए। सेवाओं की गुणवत्ता में क्या है कि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त और प्रभावी होनी चाहिए, ठीक। अब क्या है कि भारत में बहुत सारे जो स्वास्थ्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है ना, उसको प्राप्त करने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं और आगे की राह देख करके जो सिफारिशें हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मैगजीन का ये कंटेंट खत्म हो जाएगा। तो जो स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में चुनौतियां, वो क्या है कि स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च। जो इकोनॉमिक सर्वे आया हाल ही वाला, जो अभी इस साल वाला, उसमें क्या बताया गया कि जो स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्र और राज्य सरकारों के जो बजट है उसमें व्यय में मामूली वृद्धि हुई है, ठीक है। यह 2021 के 1.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 2.1% आया, 20 में सबसे कम है, ठीक है। वित्तीय सुरक्षा का अभाव है। नीति आयोग के अनुसार क्या है कि कम से कम 30% आबादी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा से वंचित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए कि इतना खतरनाक चीज़ है कि 30% आबादी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी फाइनेंशियल सर्विस से वंचित है, फाइनेंशियल सुविधा से, फैसिलिटीज से। तो अभी ये फाइनेंशियल फैसिलिटीज अगर वहाँ उसके पास नहीं है तो वो क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करेगा। यही बात यहाँ ऊपर बताया था ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब इस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होने से क्या होगा, यही जो परिवार 30% हैं ये पॉवर्टी के डेप ट्रैप में फंस जाएंगे, डेप ट्रैप में फंसेंगे और पॉवर्टी यहाँ ये पॉवर्टी में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको गरीबी इसको जकड़ लेगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे बात निकल कर सामने आती है। अब ये जो गैप है वो क्यों हुआ है कि क्या है कि यह कवरेज मौजूदा अंतराल और योजनाओं के बीच में ओवरलैपिंग के कारण भी हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट व्यय का अधिक होना, यहाँ बात फिर आ गई। अब इसमें क्या है कि जो भारत में क्या है कि आउट ऑफ पॉकेट व्यय है, वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में भारत में क्या 47% है, 2019-20 का भी डाटा है, अभी तो अभी हाल में तो और महंगा हुआ है, 47% है। अब जो वैश्विक स्तर पे एवरेज है वो 18% है, उससे तो काफ़ी ऊपर है, दोगुना तिगुना जा रहा है ये। तो फिर असमान पहुंच, ये क्या है, बहुत बड़ी बाधा है कि भारत में ग्रामीण समुदाय क्या स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं तक पहुंच से वंचित है। उन्हें योग्य चिकित्सा पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी बहुत ज़्यादा भौतिक समस्याएं हैं, ठीक है, मैंने और स्वास्थ्य ये संरचनाएं संबंधित समस्याएं हैं। स्थापित स्वास्थ्य देखभाल और संरचना में कमी है। आवश्यक चिकित्सा उपचार में भुगतान हेतु असमर्थता है। ये सारी चीज़ें हैं। लेसेंट के अनुसार क्या है कि राज्य संचालित जिला अस्पतालों में मुख्य सेवाओं की उपलब्धता में क्या है, एकरूपता का अभाव है। तमिलनाडु में क्या, केवल 16% जिला अस्पतालों में भी सभी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध हैं। असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 1% है। चिकित्सा कार्यबल की कमी है भारत में। चिकित्सकों, नर्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ को स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब डॉक्टर का रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर का जो लेटेस्ट रेशियो होगा, देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति 1000 मरीज पर कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, उस पर आप रेशियो बना लीजिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। अब इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कोविड-19 के दौरान क्या था कि आप देख सकते थे कि इस प्रकार, हालांकि वो तो विश्व में सभी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, किंतु भारत में तो और भी स्थिति भयावह थी। अब देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी पहलें की गई हैं। तो चार पहले हैं, आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत क्या इसका उद्देश्य क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का पूरा समाधान करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का इसका या टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं की नेशनल पोर्टेबिलिटी को सक्षम करके गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल के तक समान पहुंच में सुधार करना। नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी है 2017, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना, कम कीमत पर सभी को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना।
सघन मिशन इंद्रधनुष, इसमें क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। अब इसमें टीके से वंचित रह गए 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने का इस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो हालांकि अब क्या है कि अब आगे की राह क्या कर सकते हैं, मतलब अगर चुनौतियां हैं तो उसके लिए संभावित समाधान क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है, इस बात पर अगर हम गौर करें तो यहां कुछ पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके आंसर के लिए। रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई थी उसको देख लेते हैं। तो क्या है कि प्राथमिक प्राइमरी हेल्थ पर जो अगर ध्यान दें, ये प्राइमरी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल दृष्टिकोण अपनाने से क्या स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में प्रगति हो सकती है। गैर संचारी रोगों के लिए आवश्यक सेवाओं का विस्तार करना चाहिए, ठीक। स्वास्थ्य देखभाल में अप्रत्यक्ष लागत और सहभुगतान जैसी वित्तीय बाधाओं को दूर करना चाहिए। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियामकों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को प्रकट करनी चाहिए। सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करना चाहिए, अब इसको करीब करीब 5.2% तक बढ़ाना चाहिए और निम्न और मध्यम आय वाले देशों का जो औसत खर्च है उसको मेंटेन करना चाहिए। संरचना मुद्दों का अभाव है, इसमें क्या है कि स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के भीतर जो भी संरचनात्मक कमजोरी जैसे चिकित्सा और की आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी और तार्किक उपचार, इसको हम ठीक कर सकते हैं निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करके, चिकित्सा के सीटों का विस्तार करके, केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ाना चाहिए, लचीले नीति निर्माण केंद्र और राज्य क्या और राज्य केंद्रों द्वारा राज्यों को अलग से वित्त पोषण की अनुमति देने वाला सहयोगी तंत्र देना चाहिए, आबादी की जरूरतों और मांग के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करनी चाहिए। इससे भी जो है जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो उसकी दिशा में प्रगति होगी और उसको प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये एक कंटेंट था मेंस के लिए, कंप्लीट हुआ। दूसरा आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें क्या है कि हाल ही में जो है नेशनल स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने क्या है आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन किया। आरोग्य मंथन का आयोजन किसने किया, NHA ने किया, ठीक है, NHA ने किया, किसने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किया। इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 5वीं और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की 2री वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अब अन्य तथ्य क्या है कि इसमें इस कार्यक्रम में क्या है कि विभिन्न श्रेणियों में जो भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं और यूटीज हैं उसको पुरस्कृत किया गया। सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्य कौन के हैं, असम है, ठीक है, उसके बाद नागालैंड, बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन है, असम है, याद रखिएगा इसको। सार्वजनिक अस्पतालों का सबसे उच्चतम जो उपयोग है वो प्रतिशत कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। ये आभा स्कैन सेंटर और शेयर टोकन बनाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस प्री के लिए, इसको कर लीजिए, रुकिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये क्या है, आभा स्कैन और शेयर टोकन बनाने वाला शीर्ष राज्य कौन है, यूपी है, इसको एकदम स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आवास के साथ जोड़ने वाला शीर्ष राज्य कौन है, यह है आपका आंध्र प्रदेश। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के बारे में क्या है कि उसका उद्देश्य यह है कि एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना। NHA इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। अब आते हैं नीचे कंटेंट पे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है क्या उसको देख ही लेते हैं जब कई बार नाम आ रहा, तो इसे क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के स्थान पर 2019 में गठित किया गया था। अब याद ध्यान देना है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है कि 2019 में गठित हुई थी, तो इस पर ध्यान देना कि योगी मोदी सरकार में हुई थी, तो ये कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर सवाल बनने की पूरी संभावना। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री करते हैं। और ये क्या है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए शीर्ष निकाय है और ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए क्या है रणनीति डिजाइन करना, तकनीकी और संरचना का निर्माण करना और कार्यान्वयन करना, इसके लिए इसका भी कार्य करती है, ठीक है। अब आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को अपनाते हुए क्या इस योजना के तहत डिजिटल अवसंरचना को विकसित किया जा रहा है। इंडिया क्या है, यह पूरी रूपरेखा प्रदान करता है, यह रूपरेखा इंटर ऑपरेबिलिटी और क्या एकीकरण के लिए देश भर में ई गवर्नेंस प्रयासों को सुव्यवस्थित करने, मानकीकृत करने, अनुकूलित करने में सहायता करती है, ठीक है। अब इस मिशन के घटक क्या हैं तो इसको देख लेते हैं, कौन से मिशन को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को, ठीक है। इसके घटक हैं, ये हैं कि अब इसको देख लेते हैं घटक वाले को, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। आभा, जो आप बता रही थी ना आभा, आभा से सब्सिडी क्या है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ये सब्सिडी जो कौन जारी किया है, ये उत्तर प्रदेश जारी किया है, ठीक है। तो आभा क्या है कि ऑटोमेटिक पंजीकरण के तहत स्वच्छंद तरीके से अपनाई गई 14 अंक संख्या है, उसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों की पहचान करना, उसकी सत्यता की जाँच करना, रोगियों की सूचित सहमति के बाद ही उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को विभिन्न प्रणाली और हितधारकों से साझा करना, ठीक है। आभा का ऐप बना है, यह एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन सहित जो भी सारी स्कैन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो उस पर सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, यह क्या करता है,
यह चिकित्सा के विभिन्न प्रणालियों में देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी जानकारी का एक व्यापक भंडार है। इसमें अस्पताल, क्लिनिक, नैदानिक प्रयोगशालाएं, इमरजेंसी सेंटर, फार्मेसी सहित अनेक जो चीजें इसमें शामिल होती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री यह क्या चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सभी चीजों का एक व्यापक भंडार है। तो इस मिशन का बहुत सारा महत्व है, ठीक है। डेटा बैंक को देख लेते हैं और चुनौतियां भी होंगी और आगे किराए भी होंगे, ये जो आर्टिकल है वो कवर हो जाएगा। तो इसमें मिशन का महत्व क्या है कि रोगियों के लिए सटीक जानकारी करके लोगों को सशक्त बनाएगा। एक सेकेंड, अरे यार ये क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ ठीक, अब ये तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ेगी, ठीक। सेवाओं के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता आएगी। टेली कंसल्टेशन और ई फार्मेसी की सहायता से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विकल्प बढ़ेगा। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए क्या है, यह अधिक उपयुक्त और प्रभावी स्वास्थ्य करने के लिए रोगी की मेडिकल हिस्ट्री तक बेहतर पहुंच बनाएगा। बीमा क्लेम की बात की जा रही है, बीमा क्लेम क्या है, यह बीमा क्लेम राशि क्लेम करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और तीव्र आपूर्ति करने में मदद करेगा। नीति निर्माणों के लिए क्या है, मैक्रो और माइक्रो लेवल डेटा की बेहतर गुणवत्ता, उन्नत विश्लेषण बेहतर निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम करेगा। साथ ही क्या करेगा, यह स्वास्थ्य कार्यक्रम नीतियों कारण और निगरानी को मजबूत करेगा। शोधकर्ताओं के लिए क्या है कि विभिन्न कार्यक्रम हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का अध्ययन करेगा, मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। अभी कुछ चुनौतियां हैं उसको देखते हैं कि एबीडीएम के समक्ष कुछ चुनौतियां ये है कि डिजिटल डिवाइड और निरक्षरता का आबादी के कुछ वर्गों के कारण एबीडीएम को अपनाना मुश्किल हो गया है। डिजिटल डिवाइड मतलब कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है, ये डिवाइड है। अब डिजिटल डेटा के डिजिटलीकरण में उच्च लागत आती है, राज्यों के बीच का इंटरऑपरेबिलिटी बहुत खराब है, अंतर संचालित है, इस कारण का डेटा माइग्रेशन और इंटर स्टेट ट्रांसफर में बहुत सारी त्रुटियों और कमियों का सामना करना पड़ता है। क्षमता निर्माण करना और डिजिटल कौशल विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है चिकित्सा पेशेवरों को डिजिटल उपकरणों का। व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी जो भी चिंताएं हैं उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एबीडीएम संबंधी ऐप और इसके उपयोग को लेकर नागरिकों के बीच में क्या है, जागरूकता बहुत कम है। स्वास्थ्य एक राज्य सूची का विषय है, ध्यान देना है। ये सवाल यूपीएससी में बहुत फेवरेट है, बहुत सारी चीज़ों को इस बार पूछा था। जेल क्या है, राज्य सूची का विषय है कि नहीं है, इस पर पूछा सवाल ना, स्टेटमेंट दिया था कि जेल राज्य सूची का विषय है। अब उसमें केवल दो वाला में सही करना था यूपीएससी में 2023 का पीवाईक्यू देखिएगा उसमें। इसी तरह स्वास्थ्य क्या है, राज्य सूची का विषय, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह क्या होता है कि जब राज्य सूची का विषय तो ऐसी कई राज्य स्तरीय योजनाएं और पहले मौजूद हो जिनका विजन क्या है, विजन एबीडीएम से मेल खाता है। अब इससे क्या होगा कि जो प्रयास होंगे उसका व्यर्थ दोहरा होगा। ऐसे केरल की ई हेल्थ पहल है वो एबीडीएम मिशन से मेल खाती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि राज्य सरकारें भी उतनी उत्सुकता नहीं दिखाती हैं, चूंकि राज्य सूची का विषय पहले से चीजें चल रही हैं तो वो केंद्र सरकार साथ सहयोग करने में हिचकती हैं, ठीक है, क्योंकि दोहरा होता है उस तरह से। अब डेटा बैंक देख लेते हैं कि एबीडीएम की प्रमुख उपलब्धियां क्या है। तो 25 करोड़ आयुष्मान आभा बनाए गए हैं, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान स्वास्थ्य अकाउंट बनाए गए हैं। अब 2.18 लाख जो है स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्र पंजीकृत हुए हैं। पेशेवरों का पंजीकरण 2.24 लाख हुआ है। 30 करोड़ जो स्वास्थ्य संबंधी जो है ये क्या है, देखभाल संबंधी रिकॉर्ड ये लिंक किए गए हैं, ठीक है। तो आगे की राह में क्या हो, आगे की राह तो क्या है, एनोनिमाइजेशन क्या होता है, अनामीकरण जैसी तरीकों की सहायता से क्या है, रोगियों के विवरण की सुरक्षा की जानी चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगियों के स्वास्थ्य के रिकॉर्ड पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रहे। डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में R&D को प्रोत्साहित करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। राज्यों को क्या है, डेटा सुचारू स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए डेटा का मानकीकरण करना चाहिए और उसको व्यवस्थित करना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, कैसे लोगों तक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे उसका उपयोग करें इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। एबीडीएम को पाठ्यक्रम में डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणाओं को शामिल करना चाहिए चिकित्सकों पेशेवरों के लिए। निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं को क्या है, डिजिटल के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अब ये एक सब चीज़ें जो है इसे आप अपने पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है न्यूज इन शॉर्ट्स, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, और ये इसी से सवाल प्रीलिम्स में बनने की पूरी संभावना होती है। तो आज सोच रहे हैं इसको कंप्लीट करा ही दे। और इसमें पहला आता है द जेंडर स्नैप, जल्दी करते हैं जेंडर स्नैपशॉट, ठीक है, 2023। अब ये क्या है कि यूएन वीमेन और आर्थिक संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जो है इसने क्या है, प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG द जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी किया है। इसमें क्या है, SDG 1 जो गरीबी उन्मूलन के लिए है, ठीक है, इसमें वैश्विक प्रयासों के बाद 2030 तक 340 मिलियन से अधिक महिलाएं जो हैं वो क्या है, अधिक चरम गरीबी में रह पाएंगी। वर्ष 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है उसके प्राप्ति के लिए क्या है, प्रगति की वर्तमान दर को 26 गुना तेज करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट बताएगी SDG पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, SDG 2 जो है भुखमरी की समाप्ति बात करता है। इसमें क्या है कि 2030 तक लगभग 4 में से 1 महिला और लड़की को क्या है, समान या गरीब गंभीर
खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना है कि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक अंतराल को दूर करने के लिए खाद्य असुरक्षा में कमी की जा सकती है। वैश्विक जीडीपी को लगभग $1 ट्रिलियन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एसडीजी 4 की बात की जा रही है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। इसमें क्या कि केवल 60% लड़कियों ने ही उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा पूरी की है। अब हालांकि ये लड़कों के अवसर से तो बेहतर ही है, पर 100% होना चाहिए, इसका लक्ष्य रखना चाहिए। एसडीजी 5 लैंगिक असमानता है, इसमें क्या बात किया करता है कि इसमें महिलाओं को अगली पीढ़ी पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों में प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, औसतन 2 से 2.3 घंटे अधिक समय व्यतीत करेंगी। ठीक है, एसडीजी 10 में बात की गई है कि असमानता में कमी बताता है ये। तो एसडीजी पे मैंने स्पेशल एक क्लास बनाई हुई है, आप देखिएगा, नीचे वीडियोस पड़े होंगे एसडीजी पे इस, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे एक मैंने अलग से क्लास बनाई था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, आप उसमें बताइए, उसमें मैंने अच्छे से कराया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो इसमें क्या है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं लैंगिक आधार पर दोगुने भेदभाव का सामना कर रही हैं। ठीक है, वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करने की संभावना क्या पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी है। ठीक है, एसडीजी 13 की बात की, जलवायु कार्रवाई की, इसमें क्या है कि जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम की वजह से विश्व स्तर पर लगभग 158 मिलियन महिलाएं हैं और लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे जा सकती हैं। तो एसडीजी को प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियां क्या है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर व्याप्त होना है, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कम है, शैक्षिक अंतराल और वेतन संबंधी असमानताएं मौजूद हैं, इत्यादि इत्यादि। अब क्या है, महिलाओं के लिए बेसिक इनकम, ये बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है ये महिलाओं के लिए बेसिक इनकम। तमिलनाडु के क्या, तमिलनाडु ने कलैगनर मगलिगर उरिमे तोगे, अब ये वहाँ की अब उस भाषा में जो है ये योजना है, तो वैसे अगर आएगा तो आप लोग तो वैसे ही समझ जाएंगे कि केरल मत मार जाइएगा, तमिलनाडु होगा ये, ठीक है, केरल नहीं, ठीक, कलैगनर मगलिर उरिमे तोगे। इसमें क्या है, महिलाओं के लिए बेसिक इनकम इस तरह की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या है, परिवार की महिला मुखिया को क्या होगा, 1000 रुपये ये मासिक मानदेय होगा, मैंने स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, कौन इसके लिए योग्य होगा ये देख लेते हैं। तो 21 वर्ष से अधिक की जो भी ऐसी महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी जिनके पास भूमि और सालाना पारिवारिक आय क्या है सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम है। अब क्या है कि अगर देखा जाए तो कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में क्या है महिलाओं के लिए इसी प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार क्या है कि महिलाओं के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो है परिवार पर कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के 3 घटक होते हैं, घटक अगर मतलब कंपोनेंट बात की जाए तो इसमें सार्वभौमिकता, यानी सभी को बेसिक इनकम मिले बिना किसी शर्त के मिले, यानी कोई पात्रता निर्धारित ना हो। एजेंसी क्या है, लाभार्थी को सरकार द्वारा कैश ट्रांसफर के रूप में सहायता प्रदान करता है, क्या कि लाभार्थी की पसंद का सामान किया जा सके, उसकी पसंद का निर्धारण नहीं किया जा सके। ठीक है, तो कैश मिले। ठीक है, अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में एक पक्ष में तर्क होता है और एक विपक्ष के में भी तर्क है। ठीक है, तो दोनों बातों को जानना बहुत जरूरी है, चूँकि अब दो ये क्या होता है कि दोनों किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो दो पहलू होने से आपको क्या कि दोनों पहलू जाना चाहिए, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको दोनों चीज़ों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो 4 पॉइंट अगर जानते हैं तो बहुत है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पक्ष में तर्क मेंस के लिए काम आएगा कि लाभार्थियों को क्या कि एजेंट के रूप में माना जाता है और कल्याणकारी BI का उपयोग करने की जिम्मेदारी क्या है नागरिकों पर सौंप दी जाती है। ठीक, इस योजना का लाभ क्या था सभी व्यक्ति को मिल जाता है, इसलिए क्या कि किसी के लाभ से वंचित रह जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, या स्वास्थ्य आय और अन्य असुरक्षाओं के विरुद्ध क्या है एक स्वच्छा जाल प्रदान करता है, बैंक खातों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देता है जिससे वित्तीय समावेशन में सुधार होता है, लोगों के पास अधिक धन आता है, लोग अधिक खर्च करते हैं, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई फिर उसी तरह से इंक्रीज, मतलब एक चेन जो है ये जो इकोनॉमिक साइकिल वाला है ना ये बढ़ जाता है। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के विपक्ष में भी तर्क है, यह योजना क्या है लोगों को आलसी बना सकती है, बेरोजगार छोड़कर श्रम बाजार से बाहर निकल सकते हैं, UBI राशि के व्यय होने पर पुरुषों का नियंत्रण होने के कारण क्या है कि लैंगिक असमानता बढ़ सकती है, बाजार में वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव से नगद हस्तांतरण की राशि क्या है कि क्रय शक्ति गंभीर रूप से कम हो सकती है, सरकारी बजट पर भारी बोझ पड़ेगा और फलस्वरूप इसके क्या है करंट अकाउंट डिफिसिट और तमाम चीज़ें जो भी क्या होता है ना कि ये फिजिकल डिफिसिट सब सरकारें जो बहाना मारती हैं वो तो होता ही होता है, तो उसको भी देखना है। अब आता है इंपॉर्टेंट बात है कि मालवीय मिशन, ये अब जितने फैक्ट्स हैं ना, फैक्ट है बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पेज का है फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए, UPPCS और UPSC दोनों के लिए। इसमें देखिए मालवीय मिशन, इसमें क्या है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम UGC ने शुरू किया, इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि UGC ने शुरू किया है मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य बारे में क्या है कि उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की क्षमता
निर्माण से संबंध मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन करने के करके शुरू किया गया है। इस योजना के तहत एनईपी 2020 के तहत क्या है कि अनुरूप उच्चतर शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, 2 वर्षों के भीतर प्रशिक्षण दिया जाएगा और मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम भी बदलकर मालवीय मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र रखा जाएगा। अब यहाँ से अब ये दूसरा कंटेंट आ रहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन अपने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन क्या है, अपने मौजूदा दीक्षा प्लेटफॉर्म में पर्सनलाइज एडॉप्टिव लर्निंग को इंटीग्रेट कर रहा है, एकीकृत कर रहा है। NEGD क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। PAL क्या, एक सॉफ्टवेयर आधारित उपागम है, अप्रोच है जो प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करने की सुविधा देता है। अब दीक्षा जो कार्यक्रम है इसके अधीन दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये क्या प्लेटफॉर्म होता है कि राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्वक ई पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करेगा। सभी ग्रेड के लिए QR कोड आधारित जो है एक एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराता है। यह दृष्टिबाधित छात्रों को स्क्रीन रीडर जैसे सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से वेबसाइट का उपयोग करने की सुविधा देता है। अब ये हियरिंग इम्पेयर्ड दृष्टिबाधितों और बहिर छात्रों के लिए विशेष ई कंटेंट डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन डेजी पर विकसित किया गया, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है इसमें, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। दीक्षा क्या है, दीक्षा अब इसमें जानते हैं कि दीक्षा जो है एक शिक्षा मंत्रालय के तहत NCERT की पहल है। इंपॉर्टेंट बात है कि NCERT की पहल है दीक्षा, किसकी पहल है, NCERT की। इस सबसे जो इसमें मुख्य बात यही है कि NCERT की पहल है, ठीक है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस क्या है कि NCERT को जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने से NCERT को अब निम्नलिखित की अनुमति प्राप्त होगी, अपने स्वयं की स्नातक स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त प्रदान कर सकता है, अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करने, पाठ्यक्रम संरचना निर्धारित करने, परीक्षा को आयोजित करने और प्रबंधन सहित अन्य मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी। विश्वविद्यालय के अलावा किसी विशेष क्षेत्र में उच्च मानक का कार्य करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। UGC अधिनियम, इसकी घोषणा कौन करता है, UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार करती है। अब एक बात आता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भारत में क्या है, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस से संबंधित प्रमुख विनियामक पहल है। यह क्या है, NMC जो है ये राष्ट्रीय जो चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल है जो, ठीक है, ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये UPSC इसी चीज़ पर फोकस करता है, सांविधिक निकाय है, ठीक है, ध्यान देना है। अब इसका गठन किया गया, इसके चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत इसका गठन किया गया, ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ठीक। इसकी स्थापना 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो विश्व चिकित्सा संघ WMA ने की थी। इसके बारे में जानकारी देते हैं कि यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। यह चिकित्सकों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसका मिशन क्या है, संपूर्ण मानव जाति की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रयास करना। यह गैर संगठन क्या कहता है, दुनिया भर में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति समर्पित है, ठीक है। WFME क्या है, उन अलग अलग एक्रेडिटेशन प्रदान करने वाली एजेंसियों को मान्यता देता है जो WFME के संबंधी मान्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। लाभ क्या होगा, भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट को अन्य देशों जैसे कि USA कनाडा आदि में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रशिक्षण प्राप्त होगा, ठीक है, इसको सक्षम बनाएगा। गौरतलब है कि विदेशों से जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या है कि WFME की मान्यता जरूरी होती है। इससे भारत में मौजूदा सभी 706 मेडिकल कॉलेजों से इसकी मान्यता मिल जाएगी। अगले 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों को स्वतः ही मान्यता मिल जाएगी। इससे भारत में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता और मानकों में वृद्धि होगी। यह भारतीय मेडिकल एजुकेशन की विश्व की सर्वोत्तम पद्धति और मानकों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। लास्ट आर्टिकल यह है कि आयुष्मान भव कैंपेन, यह क्या है, ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में चलाया जाना एक सहयोगात्मक अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है, देश के हर गांव कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा कवरेज का विस्तार करना। इसके तीन घटक हैं, आयुष्मान आपके द्वार 3.0 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या है, पंजीकृत शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। आयुष्मान मेला क्या है, ऐसे आयोजकों में हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाएंगे। आयुष्मान सभाएं ऐसी सभाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और रोगों के लक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर सामने आई हैं। तो हमारा जो सोसाइटी वाला इशू है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने जो अब नेक्स्ट कल सुबह से हम लोग शुरू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कल सुबह से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, इसमें जो है आदित्य L1 मिशन से हम लोग शुरुआत करेंगे और कल ही जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगी और इसके बाद मैगजीन लगभग लगभग सब खत्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करा दिया रहूँगा।
अब आपके बाद इस बस आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियोस को कई बार देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट बनी पड़ी है रिवीजन करने के लिए, मैगजीन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियोस को बस 1.5x पे लगाइए और रिवीजन कर जाइए। और आंसर राइटिंग के लिए बैच स्टार्ट कर दिए, तो आंसर राइटिंग आप लोग करिए। उसमें क्वेश्चन मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे, और आप उसको लिख करके उस पे आईडी भी दी हुई है, उस टेलीग्राम आईडी पे भेजेंगे, कॉपी चेक होकर मिलेगी और मॉडल आंसर कल हम डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।